प्यारे बच्चे चलिए आज चलते हैं हम लोग क्लास नाइन्थ सीबीएसई के लिए मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास नाइन्थ वाले एनसीईआरटी बुक से जो हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, वो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.1, यानी कि क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी बुक से हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट किए हुए थे। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर आपके पास किताब होगा प्यारे बच्चों तो आप किताब निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस हम नहीं लिख पाएंगे। मेरे पास खुद ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो हम आपको क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन को सिर्फ समझाएंगे, आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, इज जीरो अ रेशनल नंबर, यानी कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या आप इसे बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर बट क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, ये क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों। तो आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो बोल रहा है कि जीरो एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग तो प्यारे बच्चों पढ़े हुए हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी की पिछले की क्लास के वीडियोज को आप जरूर देखिए, वहां पर हम जरूर से जरूर बताए हैं कि टोटल नंबर यानी कि नेचुरल होल रेशनल इरेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको जो बोल रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे यस जीरो क्या है, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो इज ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है बिकॉज क्योंकि इसको P by Q के फॉर्म में because जीरो इज इक्वल टू जीरो बटा वन, यानी कि जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो बटा वन लिख सकते हैं, जहां ऊपर हो गया P और नीचे हो गया Q और Q does not equal to जीरो, यानी कि Q जो है जीरो के बराबर नहीं है। तो प्यारे बच्चों यही हम लोग का पहला का आंसर हो जाएगा। बोल रहा था कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, हम बोलेंगे कि हाँ भाई जीरो एक रेशनल नंबर है। फिर बोल रहा था सवाल में कि क्या आप जो है जीरो को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम दिखा भी दिए हैं कि जीरो को हम लोग जीरो बटा एक लिख सकते हैं, जहां पे ऊपर वाला जीरो जो है p को दिखा रहा है, नीचे वाला वन जो है q को दिखा रहा है और q डज नॉट इक्वल जीरो है। तो प्यारे बच्चों ये पहला का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू। दूसरे क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। तो प्यारे बच्चों ये तो आप निकाल ही सकते हैं, बोल रहा है कि तीन गो छह गो रेशनल नंबर निकालना है, कितना कितना के बीच प्यारे बच्चों, तीन और चार के बीच। तो दो गो रेशनल नंबर है तीन और चार, और इसके बीच में हमें छह रेशनल नंबर निकालना है। इसके बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना प्यारे बच्चों, छह गो रेशनल नंबर निकालना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर ऐसा सवाल आए तो आप डिनोमिनेटर लिखिए कि डिनोमिनेटर बराबर कितना, तो जितना हमको निकालना है, कितना निकालना प्यारे बच्चे, छह निकालना है। तो छह में अब अपने तरफ से एक ऐड कर लीजिए, तो छह और एक कितना हो जाता है सात, यानी कि जितना भी हमें ज्ञात करना होगा नंबर किसी दो रेशनल नंबर के बीच, उस जितना भी निकालना होगा उसमें से आप एक जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, टोटल सात हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब जितना डिनोमिनेटर आया, अब फिर से आपको इसके जगह पे सात को तीन से गुना करना है, तो सत्री इक्कीस, इक्कीस बटा कितना, तो सात। प्यारे बच्चों करना क्या होता है कि जितना डिनोमिनेटर आया, डिनोमिनेटर में कैसे निकालेंगे डिनोमिनेटर, तो जितना निकालना, अगर मान लिया सवाल बोलता कि पांच रेशनल नंबर निकालिए, तो पांच में हम अपने तरफ से एक ऐड करते, यहां पे सवाल बोल रहा है छह निकालने के लिए, तो छह में एक ऐड करेंगे तो छह और एक हो जाएगा सात, और जितना यहाँ पे डिनोमिनेटर का मान आया, सात को तीन से गुना कीजिए इक्कीस और बट्टा में रख दीजिए सात। फिर यहां चलिए सात को गुना कीजिए चार से, तो सत चौ अट्ठाईस,
28 बटा प्यारे छात्रों कितना 7। अब इसके बीच में हमको 6 को निकालना है, तो अब इसका आंसर लिख दीजिएगा फर्स्ट रेशनल नंबर आर एन। आप शॉर्ट में नहीं लिखिएगा, आप चूंकि एज अ स्टूडेंट हैं आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बराबर, अब 21 और 28 के बीच में देख लीजिए, तो 21 और 28 के बीच में क्या क्या होता है प्यारे छात्रों, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है, समझ में आ रहा है ना। तो काम क्या करना है, इसको बना देना है 22/7, 21 और 28 के बीच में 22/7। फिर सेकेंड रेशनल नंबर, तो सेकेंड रेशनल नंबर कितना, फिर 23/7, फिर आगे 24/7, फिर 25/7, 26/7, 27/7। प्यारे छात्रों कितना हो गया टोटल, 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि हमको 6 उस तरह से निकाल लीजिएगा, 6 तक के रेशनल नंबर 6 को निकालना है। तो इस तरीके से हम लोग का ये सभी आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। प्यारे छात्रों अब की बार क्या बोल रहा है कि दो रेशनल नंबर है, कौन कौन सा, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको कितना कितना के बीच प्यारे बच्चों, तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 गो रेशनल नंबर निकालना है, यानी कि इसके इसके बीच में कितना निकालना है प्यारे बच्चों, 5 गो रेशनल नंबर हमें निकालना है। तो हम क्या बोले प्यारे बच्चों कि जितना भी रेशनल नंबर आपको अगर निकालना हो उतना को डिनोमिनेटर लिखिए, तो आप लिखिएगा डिनोमिनेटर बराबर कितना है प्यारे बच्चों, कितना निकालना है दोनों के बीच में, 5 निकालना है, तो 5 लिखिए, आप अपने तरफ से 1 ऐड कर लीजिए, तो 5 और 1 मिलकर कितना हो जाता है 6। अब प्यारे बच्चों करना क्या है, फिर से एक नंबर लाइन दीजिए, अब यहां पे करना क्या है 3/5 को 6 से गुना कीजिए, तो 3/5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3/5 × 6, तो 6 × 3 = 18/5, यानी कि जब इसको गुना करेंगे 3/5 से तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 18/5। और चूंकि डिनोमिनेटर में हमको 6 लिखे हैं तो नीचे तो 6 लिखना ही लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चे। अच्छा फिर क्या करना है, 6 को 4/5 से गुना करेंगे, तो 4/5 को 6 से गुना करेंगे तो 24/5, तो गुना करके जितना आता है उसको लिखते हैं ऊपर 24/5 और उसके नीचे लिख देते हैं जितना डिनोमिनेटर है कितना 6। प्यारे बच्चों हम इसी को ऐसे करके लिख सकते हैं और यही नंबर लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर का जो हर हुआ, ऊपर का जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे आ जाता है, यानी कि 5 जब नीचे आएगा तो लिखेंगे 18/6 = 30, यानी कि इसको लिख दिया जाएगा 18/30, यानी कि प्यारे बच्चे जब अगर ऊपर 2 ठो रहता है a/b, अगर ऊपर 2 ठो रहता है, नीचे अगर c रहता है, तो इसको लिखते हैं b कहाँ आ जाता है नीचे, a/b × c हो जाता है, ऐसा रूल होता है मैथमेटिक्स का, इसीलिए ये जो 5 है वो नीचे उतर जाएगा और 5 और 6 को गुना करके 30 हो जाएगा। वैसे ही प्यारे बच्चों यहां भी होगा, 24 तो ऊपर है तो 24 × 24, और प्यारे बच्चों 5 जब नीचे आएगा तो 5 और 6 को गुणा करेंगे होगा 30। अब प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि 18/30 और 24/30 के बारे के बीच में हमको कितना गो निकालना है, 5 गो निकालना है। तो जब 5 निकालना है तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, आप करेंगे क्या, इतना इतना के बीच में आप फर्स्ट रेशनल नंबर सेकेंड रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा, जब 18 और 24 के बीच में स्टार्ट हो जाइए 19 से, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए 18/30 के बीच में और 24/30 के अंदर
हमको पांच निकालना था, तो पांच तो निकाल दिए। प्यारे बच्चे अब आंसर मैच नहीं कर रहा होगा तो आप बिल्कुल भी बेहिचक नहीं होइए, आप परेशान नहीं होइए, आप अपने करने के तरीका पे खुद पे विश्वास रखिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो ये रहा हम लोग का आंसर और करने का तरीका। प्यारे बच्चों एक और तरीका हम बताए थे, वो तरीका बहुत हार्ड होता है, जोड़ने वाला और फिर उसको अपनी तरफ से दो से भाग करने वाला। तो इसके कई मेथड है निकालने के लिए और उन सभी में ये बहुत आसान मेथड है, ये बहुत आसानी से बन जाता है कितना भी अगर सवाल बोलेगा तो। यानी कि जितना भी अगर निकालने के लिए बोलेगा कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर निकालो तो हम लोग इसी बात को फॉलो करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 में टोटल प्यारे बच्चों चार क्वेश्चंस है। अब चार क्वेश्चंस में हम लोग तीन क्वेश्चंस कर लिए, अब चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें प्यारे बच्चे क्या बोल रहा है कि आपको अपने तरीके से सोच के आपको ट्रू और फॉल्स की पहचान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए आइए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर को आप होल बोल सकते हो? तो जी हाँ बिल्कुल। आप पहले नेचुरल समझिए क्या होता है प्यारे बच्चों। काउंटिंग की नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1, 2, 5, 6, 7, 8 ये सब क्या प्यारे बच्चों है नेचुरल नंबर। अब जो सभी नेचुरल है क्या ऑल नेचुरल को हम लोग होल बोल सकते हैं? तो प्यारे बच्चों होल के बारे में सीखे हैं कि होल कहां से शुरू होता है, जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहां पे बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो प्यारे बच्चों पहला का जो आंसर होगा वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट होगा क्योंकि सभी नेचुरल को हम होल बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए वन हॉल भी है, टू भी हॉल है, सभी चीजें हॉल में आती रहेंगी, इसलिए ऑल या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। प्यारे बच्चों सभी इंटीजर क्या होल नंबर होंगे? तो इंटीजर नंबर के बारे में आप पहले समझिए कि इंटीजर क्या है। तो इंटीजर उसको बोलते हैं जो जीरो हो और पॉजिटिव काउंटिंग यानी कि 1, 2, 3 etc और नेगेटिव काउंटिंग इसको इंटीजर बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं इंटीजर को। जबकि प्यारे बच्चों होल क्या होता है? तो ऑनली 0, 1, 2, 3 होता है। तो क्या सभी इंटीजर को हम होल बोल सकते हैं? कभी नहीं, सभी इंटीजर को हम होल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सभी इंटीजर में माइनस भी आता है जबकि होल में माइनस नहीं होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट प्यारे बच्चों फॉल्स हो जाएगा, दूसरा गलती है। तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होता है? प्यारे बच्चों सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है? पी बटा क्यू के रूप में होता है। अगर पी बटा क्यू के बात करें तो 1/2 एक क्या है? रेशनल नंबर है, जबकि 1/2 एक होल नंबर नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चों सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, ये भी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग जो डिस्कस किए 9th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 सॉरी यहां पे 4.1 नहीं 1.1 वो गलती से 4.1 लिखा गया था प्यारे बच्चों 1.1 तो 1.1 को हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस किए। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो लेक्चर के साथ, हम लोग वहां पे पढ़ेंगे स्पेशल इरेशनल नंबर के बारे में। हालांकि प्यारे बच्चों इरेशनल भी हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि जिसे पी बटा क्यू के रूप में अगर उसको नहीं दिखाते हैं, उसके रूप का नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं।
प्यारे बच्चों अब हम लोग स्पेशलिस्ट इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, आज यहीं तक समाप्त कीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।